बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है चैप्टर नंबर 5 और बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स के नाम से ये स्टैट आईकॉम पार्ट 2 का ये चैप्टर है। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है। ये बहुत सिंपल और सादा सा चैप्टर है और बहुत जल्दी, यानी एक दिन में इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो एनी हो, इसमें अगर आप देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है, जिसमें हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, सेट की डेफिनेशन को, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम किन को एलिमेंट कहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, और फिर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग सेट्स, यानी कितने तरीके से एक सेट को लिखा जा सकता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का मतलब है कि यानी एक सेट की क्या खसूसियात होनी चाहिए, यानी हम किसको हम सेट कहते हैं, और हो सकता है कोई चीज़ उसी शक्ल में लिखी जाए लेकिन वो सेट ना हो, तो किन बेस पर हम एक सेट को सेट कहते हैं, ये एक टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन का। दूसरा होगा टाइप्स ऑफ सेट के नाम से। इसमें डिफरेंट बेसिक, जैसे मैट्रिसेस की टाइप्स होती थी, इसी तरीके से आपके पास सेट की टाइप्स हैं, जैसा कि नल सेट, नाम से ही जाहिर है आपको, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, सबसेट में प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट, ये दो हो सकते हैं। इसी तरीके से सुपर सेट, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स, ये मतलब ये दो हैं, पेयर्स की शक्ल में होंगे। ये हो जाएगा हमारा टॉपिक इसके टाइप्स का। और तीसरा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कार्टीजियन प्रोडक्ट और वेन डायग्राम, ये जो है वो तीसरा टॉपिक। इस तरीके करके ये यहाँ चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाता है सेट के हवाले से। आगे कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं सेट की, जैसे कि आपके पास फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के बहुत ज़्यादा आगे, फिर आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं परमोटेशन में, कॉम्बिनेशंस में, तो परमोटेशंस को हम देखेंगे, कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे, बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी जो है वो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बताई जाएंगी। और इस तरह करके ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज एंड दैट्स इट। तो यानी 8 टॉपिक आप ओवरऑल कह लें, लेकिन इनफैक्ट 6 टॉपिक में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक दिन में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, क्योंकि सेट और सेट थ्योरी काउंटिंग टेक्निक्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ चैप्टर, और इसमें इतना आसान नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह इशू तो खैर रहती हैं। जब एडवांस लेवल पे एक चीज़ को देखा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और इसकी बेस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, और खैर इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में से जो आईकॉम के लिए हैं, आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए, इसमें से ज़्यादातर डेफिनेशन ही आती होती है, लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं, अलबत्त शॉर्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है, या MCQs के अंदर इसके चांसेस इस चैप्टर के ज़्यादा हैं। तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पेपर पैटर्न की वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो नहीं देखी उसको आप देख लें, उसके अंदर आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये वीडियो तो यहाँ तक थी, तो ये था 5वां चैप्टर। 6ठे की मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसके ऊपर भी आप देख लीजिए, तो पूरे साइनॉप्सिस अपलोड हो चुके हैं। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपको बाकी सारी वीडियो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। अच्छी लग रही है मल्टीमीडिया की वीडियोज़, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो फिर इसको आप डिसलाइक करें और कमेंट्स में हमें लिखें कि हम इसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। और बस ये था, और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।